जन्माष्टमी के महापर्व पर हम अंतिम सोपान में उतर करके नया जन्म प्राप्त करें, जीवन ज्योत आत्म ज्योत जगाएं। आज का पावन पवित्र दिवस भीतर की इस जीवन यात्रा पर उतर करके ही मनाएं। बाहर बहुत मना लिया, बाहर भी मनाना चाहिए, परंतु साथ साथ अपने भीतर भी, सर्वप्रथम भीतर जहां से इस जन्म के रहते रहते नया जन्म होता है, अष्टांग योग के अंतिम सोपान अंतस ध्यान में उतर करके डायरेक्ट प्रवेश करना, डायरेक्ट सोपान में उतरना, अंतिम सोपान अंतस ध्यान मेडिटेशन में आनंदमय सुखमय शांति शक्ति का महान स्वरूप स्वस्थमय जीवन की आभा अपनी अंतर्मुखता से उपलब्ध करना, बाहर नहीं मिलता, यूं ही भ्रमित मत होना, यूं ही ना समय गवाना, अवसर गवाना, चारों युगों में आज तक बाहर नहीं मिला, स्वस्थ पूर्ण प्रेम पूर्ण जीवन की आभा अपने भीतर की दिशा में बियॉन्ड माइंड होकर के उपलब्ध करना, बहुत सहज सरल साधारण है यह। अपने ही तो घर में जाना है, अपने ही तो निवास पर विश्राम पूर्ण हो जाना है, अपनी थर्ड आई में जाके जाके देखते रहना, केवल देखना। मेडिटेशन के प्रोसेस में निरंतर बहते जाना, कछु किया नहीं जाता, अपने आप होता है। अगर तुम थोड़ा अवसर दो अपने आप को, स्वयं सुरती को, अपनी ओर उन्मुख होकर के थोड़ा देखो, अपनी थर्ड आई को थोड़ा मौका देना, थोड़ा अवसर देना। यही है दिशा भगवान श्री कृष्ण की, सर्वप्रथम भीतर जगमगाना। कितने भी वर्ष लग जाएं उसके चरणों में, जब तक भीतर जगमगाओगे नहीं तब तक पीछे मुड़ के नहीं देखना। अपनी दिशा में, अपने लक्ष्य में, अपनी मंजिल में अपने आप को उड़ेल देना, अपने अनुभव से जीना। क्या हाथ लगाए आज तक तुम्हारे? अपनी को पीठ देकर के जीने वालों, तुम्हारे हाथ लगा क्या है? लग करके भी नहीं लगा कुछ। अब मेडिटेशन में उतरिए, हमने माइंड के साथ नहीं लगना और ना ही माइंड को कहीं लगाना। ये मेंटल एक्सरसाइज छोड़ देना, माइंड को कहीं फोकस नहीं करना, माइंड को डायरेक्टली वॉच करना। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता डायरेक्ट वॉचिंग प्रोसेस में उतरने का। ये वाइब्रेशन का आलम बार बार नहीं हाथ लगता। जन्माष्टमी पर उतरा हुआ वाइब्रेशन का दौर अपने भीतर को विराट बनाता चला जाता है। लगातार अपनी ओर डायरेक्ट वॉचिंग प्रोसेस, मन को कहीं मत लगाना, ये कोशिश
ये प्रयास ये यत्न छोड़ देना और मन के साथ भी ना लगना, लाई लगना हो ना, भेड़ चाल नहीं चलना, ना लगना ना लगाना, दोनों से हट जाना, नॉन डूइंग की स्टेट में अकर्ता दृष्टा होकर के रहना। केवल वाच करना, अंधेरा है, सन्नाटा है, विचारों की गति है, मन की दौड़ है, द्वंद्व है, डुअलिटी सही, बहुत विचारों की दुनिया, विचारों की भीड़, विचारों की ट्रैफिक, विचारों की आवाजाही, स्वयं देख लेना अपनी आंखों से भीतर क्या क्या यूजलेस है, कितना है, आप स्वयं अनुभव लेना अपना। तुमको तुम्ही से दिखाने के लिए अवसर उतरा है जन्माष्टमी का। पांच हजार वर्ष से चले आ रहे इस इशारे को तुम ऐश्वर्य का रूप देना, प्रायोरिटी देना। इस इशारों में ईश्वर का पदार्पण होता है। जो इशारे वो कर गए उसमें उतर जाना, वो प्रकट हो जाएगा। वो हर कदम, हर क्षण, हर पल प्रकट है। आप उससे जुड़िएगा, आप थोड़ा सा माइंड से हट करके मास्टर से जुड़िएगा, थोड़ा जुड़ के देखिए अपने आप को, अपने आप में, अपने आप से जोड़ लीजिएगा। ओंकार आमीन आमेन। ये तो प्रेम की बातें हैं उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ओ किताबी ज्ञानी, ओ किताबों को ढोने वाले, ओ किताबों को ही उठा उठा करके रख करके सुनाने वाले, अभी तक बुद्धि में ही है, गोपाल के साथ रहकर के भी बुद्धि में ही, स्वयं द्वारकाधीश के चरणों में रहकर के भी तू अभी हृदय में नहीं है। हमें तो लगता है कि तेरे को दिशा देने के लिए ही हमारे पास तुझे भेजा गया है। समझ गई प्यासे दीवानों की आत्मा, समझ गई। बहुत सुंदर चोट मारा, प्रेम भरी दिशा दे दिया, हृदय में उतार दिया, उधो स्वयं सखी हो गया। यही एकमात्र शब्द गूंज उठा, चाहूं और उन प्यासे दीवाने पतंगे परवानों में जो संस्कृति देगा ये भारत को, जीने की राह, जीने की दिशा देगा ये, कि प्रेम हो तो ऐसा, प्यार हो तो ऐसा, मोहब्बत हो तो मालिक की, अगर आशिकी हो तो अपने अस्तित्व की, अगर इश्क हो तो अपने ईश्वर का परिपूर्ण कर देगा। ये तो प्रेम की बातें हैं उधो, ये तो ध्यान की बातें हैं उधो, किताबी ज्ञान की नहीं, अंतस ध्यान की बातें हैं उधो। ख्याल रखना
थोड़ा इसको समझना गहरे में, जहां जहां तुम्हारा प्रेम होता है वहीं तुम्हारा ध्यान होता है, और जहां जहां तुम्हारा ध्यान होता है वहीं उसके साथ ही प्रेम होता है। ध्यान और प्रेम दो पंख हैं तेरे जीवन के, खूब उड़ारी मारना इन दोनों के साथ। ध्यान है तो प्रेम है, और अगर प्रेम है तो ध्यान है। ध्यान प्रभु का परिपूर्ण कर देगा प्रेम, प्रेम है प्रभु का तो ध्यानस्थ कर देगा मीरा की तरह तुझे, सहजो राबिया की तरह तुझे, नानक कबीर रैदास की तरह तुझे, राधा सखा सखियों की तरह तुझे, बुद्ध महावीर की तरह तुझको ध्यानस्थ अवस्था में प्रेम पूर्ण बना देगा। ये हो नहीं सकता जहां ध्यान उतरा हो वहां प्रेम ना हो। प्रेम करुणा अहिंसा एक ही बात है, करुणा प्रेम है तभी तो उतरे, जो पाया उसे बांटने के लिए उतरे, चारों ओर जगमगा उठे अंधेरी दुनिया को दिशा दे गई। उनकी दिशा में रहने वाले चलने वाले तब तक भी विश्राम ना करें, तब तक आराम ना करें, तब तक भी संतुष्ट तृप्त होने की परवाह ना करें, कोशिश ना करें, तनिक मात्र भी कोशिश ना करें अपने आप को संतुष्ट तृप्त होने की, जब तक वह दिशा में दर्शन ना हो जाए उसका, उस दिशा में तेरी दीद तृप्त ना हो जाए, तब तक कदम बढ़ते ही चले जाए दिन रात। ये तो प्रेम की बातें हैं ओधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बातें हैं ओधो, अरे ओधो, ये तो प्रेम की बातें हैं ओधो, अंतस ध्यान की बातें हैं ओधो, ये तो ध्यान की बातें हैं ओधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, अंतस ध्यान की बातें हैं ओधो, ये तो प्रेम की बातें हैं ओधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्दी के होते हैं सौदे, यहाँ सर्दी के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी पतंगे परवाने कहते हैं, यहाँ सर्दी के होते हैं सौदे, यहाँ सर्दी के होते हैं सौदे, यहाँ मन चढ़ा कर होते हैं सौदे, यहाँ सर्दी के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बातें हैं ओधो, अरे ओधो, ये तो प्रेम की बातें हैं ओधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर्दी के होते हैं सौदे, यहाँ सर्दी के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, आश
आकाश की अरे मन में रहने वाले ये तो प्रेम की बाती है उधो। अरे मालिक से प्रेम लड़ा जिसके पास तो 24 घंटे रहता है उसके प्रेम कर, अपने गोपाल से प्रेम कर, कहाँ दाएं बाएं देखता रहता है, कहाँ मन बुद्धि में पड़ा रहता है। उधव मन बुद्धि में रहने वाले क्या बंदगी कमाएंगे, तू क्या कमा रहा है आज तक। हम दूर रह करके भी उसको अपने निकट देखते हैं और तो निकट रह करके भी उसको दूर बनाया हुआ है। तू दूरियों में रहता है ये तो प्रेम की बात है उधव, ये तो प्रेम की बात है उधव। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, यहाँ माइंड दे के होते हैं सौदे, यहाँ माइंड दे के होते हैं सौदे। आश की इतनी सस्ती नहीं है, आश की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बातें हैं उधव। इश्क वालों ने हकीकी इश्क वालों ने, इश्क वालों ने कब वक्त पूछा, तेरी बंदगी में तेरी पूजा में, तेरी पूजा में पाबंदियां हैं। इश्क वालों ने कब वक्त पूछा, तेरी पूजा में पाबंदियां हैं, यहाँ दम दम होते हैं सजदे, यहाँ पल पल होते हैं सजदे, यहाँ रात दिन होते हैं सजदे, यहाँ श्वास श्वास होते हैं सजदे। सर उठाने की फुर्सत नहीं है, सर उठाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बातें हैं उधव, ये तो ध्यान की बातें हैं उधव, उधव संतस ध्यान की बातें हैं उधव, ये तो सुरती की बातें हैं उधव, ये तो प्रेम की बातें हैं उधव। दुनिया को देखी जिनकी नजरों में तू है समाया, वो नजर फिर क्या दुनिया को देखी जिसकी नजरों में तू है समाया, वो नजर
नजर फिर क्या दुनिया को देखी, जिसकी नजरों में तू है समाया। वो नजर फिर क्या दुनिया को देखी, वारे ब्रजभूमि के प्यासे दीवानों में तू है समाया। वो नजर फिर क्या दूजों को देखी, जिनकी नजरों में तू है समाया। वो नजर फिर क्या दुनिया को देखे, जिसकी नजरों में तू है समाया। जिसकी नजरों में मोहन बसा हो, जिसकी नजरों में मोहन बसा हो, वो नजर फिर भटकती नहीं है। वो नजर फिर भटकती नहीं है, ये तो प्रेम की बातें हैं उधो। लोग कहते हैं ये तो रास्ता बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, यहाँ तो अपना आप देना पड़ता है। अरे दे ही रहे हो तुम, बाहर के संसार को क्या दे रहे हो, अपना आप ही तो दे रहे हो। जो तुम्हें खाली हाथ लौटा देगा संसार से, एक दिन राख की ढेर बना करके वापस आएगा। तुम दे तो रहे हो, किंतु तुम बहुत गलत दिशा में दे रहे हो। तुम बहुत सस्ता सस्ता बेच रहे हो, बदले में मिलेगी राख, और जहां बदले में मिलेगा रक्षक, उस और तुम देना कठिन समझते हो। जिसने दिया है उसके हाथ देना तुम कठिन समझते हो, जिसने दिया है आ रहे उसके हाथ में देगे देख, और उसी को कहे चला दे इसको, तो ऐसा चलाएगा कि चारों युगों में चलते रहोगे, कभी भी बर्बाद नहीं होगे, कभी मिटोगे नहीं। उसके हाथ में देखे देखिए, दुनिया को देने वाले, दुनिया के हाथ में देने वालों, दूसरों के हाथ में देकर के जीने वालों, आज तक तुम्हारे हाथ लगा क्या है जरा देखो तो सही। यहाँ मन दिखे होते हैं सौदे, यहाँ तो दिल दिखे होते हैं सौदे। आश की इतनी सस्ती नहीं है, आश की इतनी सस्ती है, वो आश की तो उधाओ तेरे जैसे लोगों के लिए इतनी सस्ती नहीं है। आश की इतनी सस्ती नहीं है, आश की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बातें हैं उधो, अंतस ध्यान की बातें हैं उधो, अंतस ध्यान की बातें हैं उधो, अंतस ध्यान की बातें हैं उधो, मेडिटेशन की बातें हैं उधो, मेडिटेशन की बातें हैं उधो, अंतस प्यास की बातें हैं उधो, अंतस प्यास की बातें हैं उधो, ये तो प्रेम की, ये तो दर्द की, ये तो प्यास की बातें हैं उधो, ये तो हृदय की बातें हैं उधो। माइंड में बैठे हुए उधो, उधर थोड़ा मालिक की ओर आ, थोड़ा हृदय की ओर आ, धन्य धन्य हो जाएगा तू। प्रेम का शास्त्र गंगा यमुना को बहाता हुआ, दोनों आंखों से बहती गंगा यमुना, मिलन होगा तेरा मेडिटेशन के आलम में। मालिक होके जिएगा तू, माइंड का मास्टर होके जिएगा। तमाम किताबें यही इशारा कर रही हैं, उधाओ इशारे में उतर, माइंड के अंदर, ब्रेन के अंदर मत भर इनको, ये जो कहती हैं वो कर, उसमें उतर, प्रैक्टिकली जी धरती के ऊपर, प्रैक्टिकली, केवल किताबें नहीं, केवल प्रभु के सामने खड़े होकर याचना ना कर, और प्रभु को पाने का यत्न कर, उसको अपना बनाने की प्यास उठा, दर्द उठा अपने मालिक को अपने भीतर उतार लेने का, दर्द उठा उसकी गोदी में जीने का, ब्लिसफुल हो जाएगा, ब्लिसफुली जिएगा,
दुनिया भर को पीस ऑफ माइंड देने लायक स्रोत बह उठेगा। अगर उसके साथ प्रेम करेगा, अपने आप के साथ प्रेम करेगा, अपने मालिक के साथ प्रेम में डूबेगा, तो ये आशिकी, ये इश्क बहुत गजब का है। पतंगे परवानों ने कहा, अष्टांग योग के अंतिम सोपान अंतस ध्यान में उतर करके ओ इंसान अपने गोपाल को पाले। अपने लहलहाते सहस्रार के शिखरों पर जगमगा ले, अपने आज चक्र की शाश्वत धारा में, शाश्वत संगीत में उतर करके अपनी मालकियत, अपनी मास्टरशिप की राजगद्दी पर विराजमान होकर के जी। तू इंसान है, हैवान नहीं, पशु नहीं, तू इंसान है, तू भगवान हो सकता है। तेरी संभावना चौंगोर सदा के लिए जगमगाती है, सब दिशाएं खुली हैं तेरे लिए। भगवान हो जाने की, भगवत्ता को उपलब्ध हो जाने की, डिवाइन हो जाने की, परिपूर्ण हो जाने की, टोटल हो जाने की, टोटालिटी में उतर करके जीने की ये संभावना तुम प्यासे दीवानों के द्वार पल प्रति पल छलकती है। जी भर कर की आत्म साथ कर ले इसको। यहाँ सर्दी की, यहाँ माइंड देगी, यहाँ अहंकार देगी, होते हैं सौदे। गला सड़ा माइंड दे दे और जगमगाता हुआ मालिक ले ले, कितना सस्ता है सौदा। इस दिशा में कोई खाली हाथ नहीं लौटा, भरपूर हाथ लौटा, स्वयं मालिक होकर के आया। आशिकी अंतस की बहुत सस्ती है, स्वाभाविक है, नेचुरल है, कर थोड़ा प्रेम अपनी से कर ले, अपने आप का बन के जी ले दो, अपने आप का होके जी ले दो, जन्माष्टमी सार्थक हो जाएगी। आज आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। ये तो प्रेम की, ये तो प्यार की, ये तो प्यास की बातें उधो। बंदगी हम सब के बस की है, एक बंदगी ही तो हम सब के बस की है, एक बंदगी ही तो हम सब के बस की है। घर प्रेम की बातें हों, अरे उधो